नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, ऊंचाई फिल्म ने कल कितना कलेक्शन किया इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही दोस्तों, आज इस फिल्म को कितनी एडवांस बुकिंग प्राप्त हुई है और इस एडवांस बुकिंग के आधार पर ये फिल्म आज कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में भी कुछ चर्चा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊंचाई फिल्म का जो कल का कलेक्शन है वो काफी कम रहा है, मतलब कि क्योंकि कल शुक्रवार था और शुक्रवार को कई बड़ी फिल्में, नई फिल्में रिलीज होती है और कल तो दृश्यम 2 जैसी एक जबरदस्त क्रेज वाली फिल्म रिलीज हुई है जिसका सीक्वल बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस कारण से ऊंचाई के कलेक्शन में कल काफी ज्यादा ड्रॉप देखा गया और ऊंचाई का कलेक्शन करीब 1.22 करोड़ रुपीज से 1.30 करोड़ रुपए के बिटवीन कहीं पर आया। पूरा एक्यूरेट फिगर अभी तक नहीं है लेकिन 1.22 करोड़ रुपए से ज्यादा ही कलेक्शन इस फिल्म का कल आया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो अगर अपन बात करें डे 8 की, तो डे 8 को 1.22 करोड़ हुआ तो टोटल हो गया 18.24 करोड़ रुपीज इसका कलेक्शन हो गया है डे 8 का। फर्स्ट वीक का इसका कलेक्शन 17.02 करोड़ रुपीज हुआ था और वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन 24 करोड़ रुपीज के आसपास हो गया था फर्स्ट वीक का। तो कुल मिलाकर के ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ऊंचाई फिल्म अच्छा नहीं कर रही है, ऊंचाई फिल्म ठीक कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन शुक्रवार को सबसे ज्यादा ड्रॉप इस फिल्म के कलेक्शन में देखा गया। इसका कारण मैंने आपको बताया कि ऊंचाई के शोज कम हो गए थे शुक्रवार को, क्योंकि दृश्यम 2 जैसी बड़ी फिल्म रिलीज हुई है। इस कारण से दृश्यम 2 ने काफी ज्यादा शोज कम से कम मुंबई में तो ऑक्यूपाई कर लिए, 900 से ज्यादा शोज पे वहां पे ये फिल्म चल रही है और इसका सीक्वल बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस कारण से ऊंचाई के शोज में कमी आई है, इस कारण कलेक्शन में भी फर्क पड़ा है। लेकिन दोस्तों, आज आपको बता दूं कि आज ये फिल्म काफी अच्छा कर सकती है ऊंचाई, क्योंकि आज इसकी एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। कल जहां पे केवल 23 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग थी, वहीं दोस्तों आज ऊंचाई फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 66.62 लाख रुपए की है। तो मतलब कल से करीब 3 गुनी तो नहीं तो कम से कम 2.5 गुना के आसपास इसकी एडवांस बुकिंग आज जरूर हुई है। तो इसका मतलब डेफिनेटली आज ये फिल्म अच्छा करने वाली है। आपको कुछ मैं विशेष बातें बता देता हूँ कि मुंबई में दोस्तों 18% की थिएटर ऑक्यूपेंसी है, वहां पे 213 शो है ऊंचाई के और करीब 400 हाउसफुल है और 26 शो फास्ट फिलिंग है। वही दोस्तों बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो 13% थिएटर ऑक्यूपेंसी है, 217 शोज में से 9 शो हाउसफुल हो चुके हैं और 23 शो फास्ट फिलिंग है। वही दोस्तों अगर पुणे की बात करें, 24% की थिएटर ऑक्यूपेंसी, 64 शोज है, 1 शो हाउसफुल है और 5 शो फास्ट फिलिंग है। और करीब करीब ऐसी ही हालत पूरे देश भर में, मतलब आज ऊंचाई को ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी और ठीक ठाक कलेक्शन मिलने वाला है। अब एक्यूरेट कितना कलेक्शन आता है इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा, लेकिन मेरा आइडिया है कि कम से कम 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन आज ये फिल्म प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। ऊंचाई धीरे धीरे ही सही, अगर 2 करोड़ भी आज प्राप्त करती है तो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन इसका हो जाएगा। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने बजट की ओर जरूर बढ़ रही है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।